बात नहीं करें। रिकॉर्डिंग। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं। प्रियंका बेटा, बिगनिंग वाले बोलो। ठीक है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरही भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। थैंक यू। तो हम 197 के नीचे पढ़ेंगे। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया, भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो, जहाँ सीता जी श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। हाँ जी, तो हम देखते हैं पीछे भी ना, हमने देखा था ना कि भरत जी को जैसे प्रेम समाधि लगी हुई है, उनसे चला ही नहीं जा रहा। तो हमने देखा था कि वो कैसे अपना हाथ उसके शोल्डर पे रख के चल रहे हैं, उसके कंधे पे रख के चल रहे हैं ना, निषाद के कंधे पे रख के। अब वो डेरे लगा दिए गए, सबको, सब जब अपने अपने डेरे में बैठ गए हैं, टेंट में सो रहे हैं माताओं की सेवा करके। अब फिर वो आ रहे हैं, फिर से उनका वही हाल है। लेकिन वो देखो, वो खुद अभी तक आराम नहीं कर रहे हैं, है ना, ना कुछ ऐसा लगता है जिसे खाया पिया हो। तो अभी फिर से वो क्या कर रहे हैं, वही कि हाथ पकड़ के तो उसका चल रहे हैं, बिकॉज उनसे चला भी नहीं जा रहा। अब तो फिर क्या, कहाँ पहुंचे हैं? कहते हैं मुझे वो जगह दिखाओ जहां पर सोए थे भगवान रात को। तो फिर जब वहां देखते हैं, वहां पहुंचते हैं, तो वहां क्या देखते हैं कि जहाँ पे सीता जी, राम, श्री राम जी और लक्ष्मण जी सोए थे, तो वहां पहुंचे हैं। तो क्या देखते हैं, अशोक वृक्ष के नीचे क्या है, जहाँ पे भगवान ने विश्राम किया था। भरत जी ने अत्यंत आदर पूर्वक उसको देखा और दंडवत प्रणाम किया। तो उन्होंने देखा कि चटाई बिछी हुई है कुशा की, जिसके ऊपर भगवान जी सोए थे, मैया सोई थी, एंड सबसे पहले तो प्रणाम किया। अब इसके आगे पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे। पुष्पों के सुंदर सादरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे, तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर पाणी में ये वचन बोले, ये सुवर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे शिहद शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक है, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन सीता जी को मैं किसकी उपमा दूं? सूर्यकुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर है, जिनको अम्बरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसे ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे, और प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके प्राणनाथ थे, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी
बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की सादरी कुशेशय्या देखकर मेरा हृदय हराकर दलक कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। तो हम देखते हैं कि जब उन्होंने वो कुश की चटाई बिछाई हुई, सात्री में चटाई जो हम कहते हैं, तो उस चटाई पे भगवान सोए थे, मैया सोई थी, तो उसको देख के वो प्रणाम करते हैं, फिर उनके चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। तो ये जो सारी चीजें हम करते हैं क्रिया के रूप में, जैसे कल हमने जब गीता नागराज जी की यहाँ पूजा की, ये तो हमेशा ही करते हैं स्पेशल पूजा, चलो हमें भी मौका मिला सबको। तो वो जब भी देखो जो श्रद्धा होती है ना पूजा में, श्रद्धा तो निराकार क्रिया है ना, मन का एक भाव है श्रद्धा, राइट। लेकिन जब हम हाथ से कुछ करते हैं, हाथों से करते हैं, आंखों से देखते हैं, जो हम साकार की पूजा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब हमारे हाथ जुड़ते हैं, जब हम कुछ और करते हैं, उससे क्या होता है कि भाव को क्रिया का द्रव्य मिलता है। जैसे कोई भी पेड़, एक पौधा होता है, हमने कितनी बार कहा कि वो जो पौधा होता है ना, उसको क्या चाहिए, उसको जल चाहिए, उसकी जड़ मजबूत होनी चाहिए, अच्छी मिट्टी हो, एंड उसको जल चाहिए होता है हमेशा, है ना, तभी वो बढ़ता है ना। लेकिन जब हम तो भक्ति कैसे आती है हमें, भक्ति रूपी जो पौधा है हमारे अंदर, जो बीज, वो वृक्ष कैसे बनेगा, वो बनेगा जब हम कुछ क्रिया करेंगे भगवान के प्रति। जब हम क्रिया करेंगे तो वो क्रिया जो है, जो भाव को क्या, वो क्रिया क्या क्या द्रव्य मिलता है ना, उससे मिलने पर क्या भाव बढ़ता है। जैसे गीता में भगवान 9:26 में कहते हैं ना, पत्र पुष्पम फलम तोयम, जो मद भक्ता पे अच्छे है ना देते हैं मुझे, तो वो कहते हैं मैं वो साकार रूप होके लेता हूँ, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द भाव। कल सचमुच बहुत सात्विक एंड दिव्य अनुभव था सबके लिए, था आई एम श्योर, जो देख भी रहे थे उनके लिए भी वो माहौल ही ऐसा बन गया था। तो वो क्या है फिर, जो हमारे अंदर का जो पौधा है भक्ति का, प्रेम का, वो बढ़ता है। जैसे ऐसे भागवतम में आपको याद होगा, एक बार हमने पढ़ा था स्वामी तेजोमयानंदा क्या कहते हैं कि भूख मिटाने के लिए जब हम भोजन करते हैं, तो हमें हमारी तीन चीजें हमारी होती है, तुष्टि होती है, हमारी पुष्टि होती है, एंड फिर हमें असंतोष मिलता है ना। जब हम भोजन करते हैं तो हमारी क्या हुई, पहले तो तुष्टि हुई, मतलब बहुत भूखे थे, पेट भर गया है ना, एंड फिर उसके बाद पुष्टि, क्योंकि अगर हम सात्विक भोजन खाएंगे तो शरीर को रिष्ट पुष्ट करेगा, एंड फिर संतोष होता है ना, अब खा लिया, हाँ बस अब बहुत, दैट्स इट, इतना ही। इसी तरह से जब हम ये भक्ति करते हैं, हम क्रियात्मक भक्ति करते हैं, उससे क्या होता है, उसका जो प्रेम का पौधा है वो बढ़ता है ना। उससे फिर क्या होगा, इसे ऐसे ही जो जो हमने क्रियाएं की, जो अभी अभी बोला ना, भाव के क्रिया का द्रव्य, द्रव्य का अवलंबन मिला जब हमने उसको क्रियाओं से किया है ना, फिर उससे कहते हैं, उसे क्या है, उससे फिर ये बढ़ेगा फूलेगा। जैसे खाना खाने से हमें तुष्टि पुष्टि व संतोष मिला, इसी तरह से हमें ये सब करने से हमारा प्रेम का पौधा बढ़ेगा, है ना, उसको भी सब कुछ वही मिलेगा, प्रेम के पौधे की तुष्टि होगी, जो भूख है हमारे अंदर प्रेम की, उसको उसकी भूख मिटेगी, है ना, तो उसको क्या होगा, फिर वो पुष्टि होगी उसकी, फिर संतोष भी होगा, हाँ कितना अच्छा हुआ, हमने कितनी अच्छी पूजा की, ऐसे करते रहना चाहिए, है ना। तो ये बात है, तो ये इसका ये मतलब होता है जब हम ये कहते हैं भरत जी। तो जब हम कहते हैं ना, हम पूजा क्यों करते हैं, पूजा करनी क्यों जरूरी है, या जो हमारे बनाए गए थे कि ये फूल चढ़ाना है, ये भगवान को ये फल चढ़ाना है, ये प्रसाद बनाना है, ये करना है, उसके कुछ ये मायने थे क्यों, ताकि हमारा प्रेम का पौधा आगे बढ़े। बट अगर चलो ठीक है, जब हम लोग इंडिया से बाहर आए तो हमें कहाँ मिलेंगे आम के पत्ते, कहाँ मिलेंगे पान के पत्ते, कहाँ मिलेंगे सर, अब तो फिर भी अवेलेबल हो गई है चीजें, इंडिया स्टोर में वो मिलने लगी है, पहले कुछ नहीं था। तो हम कैसे करते थे पूजा, जो कलश में जो पत्ते रखने हैं तो क्या रखते थे, वो जो घर में मनी प्लांट तो सबके होता ही है, उसके पत्ते काट के हम वो रख देते थे, है ना। तो जो जो भी चढ़ाना है तो जो अवेलेबल है वो कर लो। सो उसका मतलब यही है ना, भाव इम्पोर्टेंट है, बट लेकिन करने से भाव बढ़ता है
है ना, इसीलिए करना होता है, इसलिए नहीं फिर उसके बह में नहीं पड़ जाना, अभी ये चीजें चाहिए थी, अब मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, तभी तो भगवान ने कहा ना, पत्र पुष्पम फलम तोयम, जो है उसी से पूजा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रेम से पूजा करो, क्रिया होनी चाहिए, उसे भाव होना चाहिए, है ना। तो ये बात है, तो हम देखते हैं कि भरत जी अब मैया के क्यों क्यों गिरे वो, पहले वो हम तो इमेजिन कर सकते हैं, जो स्वर्ण बिंदु गिरे हैं, जो साड़ी से गिरे हैं, जो पांव के, कि कभी वो कठोर उस पे सोए नहीं, अब अगर हम सॉफ्ट गद्दे पे सोएंगे तब थोड़ी वो चीजें गिरेंगी, लेकिन कठोर शैया पे सोए हैं ना, इसीलिए कुछ गिर गए हैं। तो वो जो गिरे हैं उनको ऐसा लग रहा है, ये अपने सिर पे रखते हैं वो, उनको लगता है कि ये देखो ये बेचारे ये श्रीहीन हो गए मैया से बिछुड़ के, जैसे हम लोग सब श्रीहीन हो गए हैं, अयोध्या वासी श्रीहीन हो गए हैं, तो इस क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं, देखो वो हमें लगता है अरे वो तो क्या है, वो तो जड़ है ना ज्वेलरी, लेकिन वो भरत जी ऐसे हैं कि वो जड़ का भाव भी समझते हैं, तो उनके से उनको अपने सिर पे रखते हैं कि अरे ये तो मेरी माँ के है ना, तो इसलिए देखो कितना सुंदर दृश्य है अगर हम इसको इमेजिन करना चाहते हैं, तो अदरवाइज ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो फिर वो आनंद नहीं आएगा, है ना। तो फिर हम देखते हैं कि फिर वो क्या, मतलब फिर प्रेम आंसुओं से जल भरते हैं आंखें उनकी, तो अब उसके बाद देखेंगे, और फिर मैया सीता जी के बारे में सोचते हैं कि ये देखो वो कैसी थी, उनके पिताजी कैसे थे, जो जनक जी महाराज पता है जो जोग एंड भोग में हमेशा रहते थे, तो हमेशा ही अंदर से फोन करती रही, एक सेकेंड बेटा आई इन क्लास, तो वो फोन करके मुझे जस्ट, हाँ जी, तो क्या कहते हैं कि वो, हाँ जी, तो वो बोलते हैं कि महाराज जनक की वो पुत्री है, तो महाराज दशरथ की वो बहू है, तो महाराज जनक की पहले तारीफ, बिकॉज जिसकी पुत्री है पहले उसकी, जिसको जो बचपन से जहां संस्कार मिले पहले उसकी बात करेंगे ना, कि महाराज जनक जैसे वैदेह है जिनके पिता हैं, हाँ, जो जोग एंड भोग उसने मुट्ठी में जिन्होंने रखा हुआ है, वैसे महाराज जनक की पुत्री है ये, एंड फिर जब शादी होके आई तो कहाँ आई, महाराज दशरथ जैसे, जिनका हम कहते थे कि इवन इंद्र भी सोचता था इनका ऐश्वर्य इतना कहाँ से हुआ, और इंद्र उनको जब भी सशरीर वो पहुंचते थे वहां पे इंद्रलोक में, तो उनको वो अपना आधा आसन सिंहासन देता था, वो जो किसी से शेयर नहीं करता वो इंद्र, है ना, वो महाराज दशरथ जी को अपने पास अपने बिठाता था, तो वो वैसे वैसे उनके ससुर हैं, ऐश्वर्य उनका, एंड फिर पति कैसे मिले, जो सबसे श्रेष्ठ पति मिले, तो पति भी देखिए, एंड फिर बोले कि एंड खुद कैसी हैं, फिर उनके भी गुण बता रहे हैं कि जो पतिव्रता स्त्रियों में श्रेष्ठ हैं, तो वो बोले कि वो आज यहाँ पे लेटी हुई है, यहाँ पे सोई थी, तो ये तो उनके उनको ऐसा लगता है कि ये उनके योग्य नहीं है, हमने पहले सब देखा था ना, सभी स्त्रियां सभी गांव वासी वो कहते थे ना, अरे इन अगर इन सकुमारों के लिए ये सब बना है तो वो सब जो ऐश्वर्य है वो किसके लिए है ना, तो कहीं कहीं तो वो ऐसा हमने तब कहा था ना, कहीं कहीं तो ऐसा ऐसा बोलते हैं वो, अरे इनके सामने तो सारे ज्योति झूठे पड़ गए, मतलब इनके किस्मत में तो ये लिखा था, पूर्ण ऐश्वर्य लिखा था, ये तो जगत के राजा हैं, ये हैं, बट ये तो जंगल में वन में घूम रहे हैं बिना जूते पहने हुए सब, तो वो क्योंकि हमारे मन में ऐसा होता है कि हम संसारिक धन क्या बोलते हैं ना, हम घर परिवार धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा, घर परिवार तो हुआ इसको छोड़ दो, लेकिन हम धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा को ही सब कुछ समझते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि इनके पास वो नहीं है तो ये बेचारे हो गए, तो बट भरत जी को ये नहीं लगता बेचारे गए, भरत जी को तो उनको तो ये लगता है कि वो ऐसे जो थे ऐसे गुणवत् जोवान थे उनके साथ ये क्यों हुआ, बिना किसी दोष के ये क्यों हुआ, है ना, आगे बढ़ते हैं। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है, ऐसे भाई न तो किसी के हुए न है न होने के ही है। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे,
माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी, कुटुंबी, गुरु, माता पिता, सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। तो हम देखते हैं कि वो बार बार उनको गिल्टी होती है ना, तो फिर से वो वही बार बार सोचते हैं। लेकिन चलो उन बातों को तो हुआ, लेकिन हमें जो समझनी है वो ये समझनी है, राम जन्मे जग कीन उजागर, राम सील सुख सब गुण सागर। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया, वे रूपशील और सुख और समस्त गुणों के समुद्र है। जो हम ये कहते हैं ना कि उन्होंने जन्म लेकर या अवतार लेकर क्या सब सब जगत को प्रकाशित कर दिया, तो हमें ऐसे लगता है कि ये सब बातें जो कही गई है ना पोएट्री है, हमें समझ में नहीं आता है ना। बट देखो इसको आज के दिन में भी देखो, हम हमेशा विवेकानंद जी का देखते हैं ना, तो हमें लगता है ना कि क्या एक विवेकानंद जी, सिर्फ एक विवेकानंद जी ने क्या कैसे हमारे सनातन धर्म को यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह पे फैला दिया, और फिर से इवन इंडिया में भी उसको पूर्ण रूप से जागृत कर दिया। एक शंकराचार्य जी जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को एक्चुअली दोबारा लेके आए। तो ऐसे वाले जो भगवान की विभूतियां होती हैं या भगवान जब समय अवतार लेते हैं तो सचमुच वो जगत को प्रकाशित करते हैं, राइट। अब जब हम ऐसे उदाहरण देख के समझ देखते हैं ना, तब समझ में आते हैं कि सचमुच भरत जी क्या कह रहे हैं, कि सचमुच एक कोई अनोखा पैदा होता है जो भगवान की विभूति है सचमुच। एंड या फिर यहाँ तो स्वयं भगवान ने अवतार लिया है ना, पर भरत जी तो वो सीधा सीधा नहीं बोल रहे ना, कहाँ कहीं कहीं बोलते हैं कहीं नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसे देखो अकेले राम जी ने जगत को प्रकाशित कर दिया है ना, उनके गुणों ने, उनके ऐसा गुणशील हैं वो कि उनको देख के जगत प्रकाशित हो रहा है। तो उसके उससे पहले वो ये बार बार उनका कहना यही है कि मेरे छोटे लक्ष्मण भाई, लक्ष्मण देखो वो लक्ष्मण जी के लिए कि कितने सुंदर हैं, कितने कोमल हैं, कितने सकुमार हैं, बोले उनको उनके क्या ये योग्य था उनके लिए ये सब नहीं। तो कहते हैं मेरे वो क्या है वो देखो, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री रामचंद्र जी के तो श्री राम से श्री सीताराम जी के तो प्राण प्यारे, और वो देखो कैसे कैसे तपस्या कर रहे हैं, कैसे दुख झेल रहे हैं, है ना। उनको ये बार बार यही लगता है कि ये क्यों हुआ उनके साथ, ये क्यों हुआ उनके साथ। तो उसके बाद कहते हैं कि ऐसे वो पृथ्वी पर कुशा बिछा के सो रहे हैं, तो बार बार उनको ये लगता है कि अरे जैसे तभी वो सबको बार बार ये लगता कि सच्चा प्यार तो महाराज दशरथ ने किया, कि अपने के वो गए तो अपने प्राण त्याग दिए। सबको ये लगता है कि हम कैसे ये सह रहे हैं, क्यों सह रहे हैं हम, हमारा दिल क्यों नहीं फट जाता, हम क्यों नहीं खत्म हो जाते। उनके वियोग में आगे पढ़ेंगे। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है,
जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई, मुझ पापों के समुद्र और अभागों को अभागे को धिक्कार है, धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है, प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उनकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। तो फिर वही अपना बार बार कह रहे हैं कि वो श्री रामचंद्र जी जिन्होंने कानों से भी कभी दुख नहीं सुना, क्योंकि हम नॉट ओनली रामचंद्र जी, एक्चुअली चारों भाई और दशरथ महाराज जी ने ऐसे इनको पाला था कि इनको दुख की अनुभूति कभी हो ही ना, तो कानों से भी दुख इनको सुनने को ना मिले। हम सब वो उसके महात्मा बुद्ध की भी तो कथा पढ़ते हैं ना, उनको भी तो ऐसे ही रेस किया गया था क्योंकि किसी ने प्रेडिक्शन की थी जन्म पत्री से कि ये सन्यासी हो सकते हैं, तो वो देखो कैसे उनको पाला गया कि इसको कभी कोई दुख दिखाई ना दे। तो इसी तरह हमारे राम जी को पाला गया था। तो इन सबको तो आपको याद है यही बात कि देखो जैसे यहाँ लिखा है, जब माता सीता जी को राम जी मना रहे हैं कि देखो तुम सुकुमारी हो, तुम कोमल हो, तुम घर में रहो, तुम्हारा बन तुम्हारे योग्य नहीं, सारे बन के वो कष्ट बता रहे हैं मैया को। तब तो मैया सब सुनती रही सुनती रही, फिर बाद में बोलते हैं, आप मुझे तो सकुमारी बोल रहे हो, आप कौन हो? आप क्या सकुमार नहीं हो? अगर मैं बन के योग्य नहीं हूं तो आप क्या बन के योग्य हैं? आपने क्या सब वो किया है जो बन में रहते रह के करना होता है? आपने कभी वो दुख देखे हैं? आपने वो जो देखा है कभी? तो सो यही बात यहाँ भरत जी को लग रही है कि अरे राम जी तो इतने सकुमार हैं, उन्होंने कभी ये सब देखा नहीं, दुख सुना भी नहीं, और ये जंगल में कंदमूल फल खा के रहना, ये सब करना कैसे रहते हैं? फिर माँ का वो आता है कि क्यों क्यों मेरी माँ ऐसे हुई, अमंगल रूप हुई इस कुल के लिए। फिर अपने लिए कहते हैं कि विधाता ने तो मुझे जन्म ही इसीलिए दिया कि मैं कुल के लिए कलंक बन जाऊं। जैसे लक्ष्मण शत्रुघ्न उन सबको बोलते हैं कि ये कुल के हीरे हैं, तो उनको लगता है कि मैं सिर्फ कलंक बन के पैदा हुआ हूँ। बोले विधाता ने तो मुझे ऐसा किया, माता ने जो कु माता है मेरी, उन्होंने स्वामी विद्रोही बना दिया। मतलब सब समझेंगे कि भरत में, अभी देखेंगे लक्ष्मण जी को हो रहा है ना कि भरत जी का हाथ होगा कुछ में, है ना? तब ये सब जब वो इतने दुखी हो रहे हैं, तब फाइनली निषाद राज क्या बोलते हैं, प्यार से समझा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, रामचंद्र जी तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, जैसे तुम उनसे प्रेम करते हो वो भी ऐसे ही प्रेम करते हैं। तो उसके बाद कहते हैं, फिर देखो वो जब क्योंकि माता को इतना दोष दे रहे हैं ना, तो ये देखो निषाद राज कहते हैं कि नहीं, ये माता का भी कसूर नहीं है, विधाता ने उसको पगली बना दिया था। रिमेम्बर ये वो ही है जो कितना वो पहले एक माता कैकेयी को गालियां दे रहे थे, तो रिमेम्बर हमारे वहां लक्ष्मण गीता है, तो वहां लक्ष्मण जी ने सब समझाया था। अब ये बोल रहे हैं कि देखो कि माता का भी कसूर नहीं है, ये तो विधाता का कसूर है ना, उन्होंने माँ को पागल कर दिया, इतनी अच्छी माँ को। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि श्री राम जी तो अंतर्यामी है तथा संकोच और प्रेम और कृपा के धाम है। तो बोले कि वो अंतर्यामी है, वो जानते हैं तेरे मन की बात, तुम चिंता क्यों करते हो, है ना? तथा संकोच और प्रेम मतलब वो जैसे तुम बता नहीं सकते मैं कितना प्रेम करता हूं तुमसे, है ना, संकोच में रह जाते हैं। भरत जी तो हमेशा कहते थे कि कहेंगे रामचरितमानस में भी कहेंगे कि मैं तो इतना संकोची हूं कि मैंने
भगवान को आंख भर के कभी देखा भी नहीं। अरे क्यों नहीं देखा आंख भर के? वो कहते हैं मुझे इतना संकोच है मेरे मन में, बस मैं उनके चरणों को ही देखता हूँ, मेरा मेरी आंखें कभी तृप्ति नहीं हुई क्योंकि मैं उनको तरफ देख ही नहीं पाया, मैं उनकी तरफ जी भर के, है ना। तो इस तरह से भगवान है हमारे संकोची, वो भी वैसे ही है, क्योंकि भरत तो भगवान की छाया है ना, जो गुण भगवान के हैं वही भरत जी के हैं, है ना। इसके आगे पढ़ेंगे 201 के नीचे। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने का स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेती हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। आगे पढ़ते हैं। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों के सहित गुरु जी ने गमन किया। तदनंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीता राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले, उनके साथ कौतल बिना सवार के घोड़े बाग डोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी घोड़े बनाए गए हैं। मुझे उचित हो तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर सीता राम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया। हाँ जी, तो हम देखते हैं कि सब लोग अब वहां से नेक्स्ट डे वहां से निकले गंगा जी में स्नान करने के बाद। फिर गंगा जी के अब दूसरे किनारे पहुंचते हैं। अब यहाँ वरद जी ने देखा कि यहाँ से प्रभु पैदल चले, यहाँ तक रथ में आए थे ना, जैसे कि महाराज दशरथ ने कहा था। ओनली नाउ वो दूसरी तरफ आए हैं। तो यहां से फिर भगवान जी एंड तीनों जने पैदल चले थे। अब इन्होंने क्या किया, सबको अपनी अपनी पालकियों में बिठाकर आगे कर दिया। सब लोग आगे हो गए, फिर सबसे पीछे, क्योंकि पहले सब लोग दुखी हुए थे ना। रिमेम्बर, आपको याद है ना कि जब वो पैदल चल रहे थे तो सब लोग दुखी थे। सब कहते हैं हम भी पैदल चलेंगे, तो माता ने समझाया था माता को शल्या ने, बेटा ये मत करो, है ना। लेकिन अब नहीं माने वो, अब कह रहे हैं कि नहीं, ये भक्त का धर्म नहीं है, अगर मेरे प्रभु पैदल चल रहे हैं तो मैं कैसे ऐसे चला जाऊं। तो फिर वो, लेकिन फिर क्या करते हैं, सबको आगे कर देते हैं, सबसे पीछे हो जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि मैं पैदल चल रहा हूँ, नहीं तो फिर से वो युगा, है ना। तो फिर हम देखते हैं कि लेकिन जो उनके सेवक हैं वो बार बार कहते हैं प्लीज बैठ जाइए, कृपा करके बैठ जाइए, पर ये नहीं मानते और उनको बता रहे हैं कि क्यों मुझे, मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आप आगे पढ़ेंगे इसके। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं, यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, सब
तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया, फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की बाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो देते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। तो हम देखते हैं कि जब भरत जी को भी पैदल चलने की आदत थोड़ी है, जब वो चल रहे हैं तो पांव में छाले पड़ गए, तो वो छाले भी कितने सुंदर लग रहे हैं। कहते हैं ऐसे ऐसे लग रहा है कि कमल की कली पर आंच की बूंदे चमकती हूँ, क्योंकि उनके पांव कमल जैसे सॉफ्ट है ना, तो उनको फिर वो ऐसे ऐसे चमक रहे हैं वो छाले भी। उसके बाद हम देखते हैं कि जब अब कहाँ पहुंचे, प्रयाग में पहुंच गए हैं। तो हमने कहा वहां देखा था, भगवान ने भी यहाँ स्नान किया था ना। तो ये जब कहते हैं, जब भरत जी ने ये पता किया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी में आकर उन्हें प्रणाम किया, फिर विधि पूर्वक श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। क्योंकि ऐसा बोला जाता है तीर्थ स्थान में जब 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 भी पहुंचो तो वहां दान जरूर करना चाहिए। एंड यहाँ देखो जो सबसे बड़ी बात जो होती है वो है कैसे ब्राह्मणों का सम्मान किया। तो दैट मीन्स सम्मान पूर्वक दान दिया। ऐसे नहीं है कि अरे अब मुझे ये करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। हमारे 17 चैप्टर में तो भगवान ने बहुत अच्छा बताया ही है, यज्ञ दान और तप नहीं छोड़ना है अर्जुन। उन्होंने फिर दान भी कैसा होता है, 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक, तामसिक, है ना। सात्विक दान वो ही है जो सादर पूर्वक दिया जाए एंड देश काल एंड पात्र समझ के दिया जाए, ऐसा बोला था ना भगवान जी ने। एंड उन्होंने फिर कहा था कि देश काल पात्र समझ के तो देना ही है, बट फिर उसका उसको देना है जिसके प्रति, हमें सबको ही देना है, बट सो उससे फिर प्रति उपकार की इच्छा नहीं करनी। यूजली जैसे हम सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ, जब इंडिया जाते हैं तो जो काम करने वाली होती है हमारी, उसको हमेशा ज्यादा ही देते हैं, है ना। और वो सोच अच्छा तेरे बच्चों के लिए पढ़ाई, तेरा इसके लिए पढ़ाई, तेरा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में आशा होती है कि ये भी जब भी बुलाएंगे तो जरूर आएगी है ना, ये आशा होती है हमें। एंड वो भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, वो भी आते हैं कि सारे काम छोड़ के वो बोलेगी मैंने, वो चिंता मत करो दीदी, मैंने रखा हुआ है लगा के कैलेंडर पे, सब काम छोड़ के आपके यहाँ आऊंगी, उनको भी आशा होती है। तो वो असली दान नहीं हुआ एक्चुअली, हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं हमने दान किया, वो राजसिक दान है। सात्विक दान तो ऐसे होता है जो बिना बिना फल की इच्छा किए कि हमें भी कुछ वापस मिलेगा इसका, है ना। हम सात्विक दान भी करते हैं, बहुत जगह पे देते हैं ऐसे जहां पे ऐसा नहीं है हमें कुछ वापस चाहिए, बट वैसे कह रही हूँ कि राजसिक दान कौन सा होता है, सात्विक कौन सा होता है। तो हमारे जो भरत जी हैं वो तो धर्म ज्ञानी है ना, ही नोज कैसे। एंड वैसे हमने देखा था कि जो वस्त्र एंड फूड का, पानी का दान है, ये तो उसमें फिर पात्र नहीं देखते, पात्रता नहीं देखते, वो तो देना ही देना है ना। तो वो सब चीजें हमें, हम इसीलिए हमें ये जब छोटी छोटी पंक्तियां भी बोली जाती है ना, दिए दान महिषासुर सन्माने, तब समझ में आती है कि भगवान जी कहते हैं दान देना है तो कैसे देना है। फिर उसके बाद कहते हैं देखत श्याम श्यामल धवल हलोरे, तो वो देख रहे हैं पानी का जल, वो जो गंगा यमुना सरस्वती वहां मिल रही हैं, तो जब यमुना सरस्वती जी को मिलते देख रहे हैं तो भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। उनको ऐसे लगा कि देखो जैसे राम सीता जी को मिल गए, वो जैसे राम सीता जी मिल रहे हैं, और उनको लगा कि जैसे मैंने राम सीता जी देख लिए हों। फिर वो
क्योंकि ये तीरथ राज है ना, तो तीरथ राज में कहते हैं जो मांगो वो जरूर मिलता है। जैसे गंगा में, गंगा जी में जब लोग कहते हैं, जब गंगा जी में लोग स्नान करने जाते हैं ना, तो ये जो पाप है ना सारे, वो बड़े दुखी हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो ये कैसे हैं मनुष्य इस धरती के, क्या करते हैं, पहले तो इतने बुरे कर्म कर करके हमें पैदा करते हैं, फिर गंगा जी में जाके स्नान करते हैं और हमारा सत्यानाश कर देते हैं, है ना, हमें मार देते हैं, पहले खुद ही पैदा करते हैं खुद ही मार देते हैं। तो इस तरह से हम गंगा जी से क्या मांगते हैं, हमारे सारे पाप धुल जाए मैया। तो यहाँ तीर्थ, जो भी तीर्थ राज होता है, कुछ ना कुछ जाके मांगता ही है बंदा। कई बार हम जाने से पहले ही वो मांगते हैं, गए भी नहीं, पहले ही कहते हैं प्रयागराज में आपके दर्शन करने आऊंगी अगर ये मेरा ये काम हो जाए तो। फिर काम होने के बाद भी कितने वर्षों के बाद जाते हैं, पता नहीं कब टाइम मिले फिर जाते हैं। ये नहीं, पहले तो काम की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं, फिर काम हो गया तो तुरंत जब भी मौका मिले तुरंत वहां जाओ, पहले वो भी नहीं करना है, है ना, वो भी फिर आराम से जाते हैं। तो यहाँ तो भरत क्या मांगते हैं, भरत मांगते हैं कि क्षत्रिय ऐसे मांगता नहीं है, मैं भीख मांग रहा हूँ आपसे। क्या भीख मांग रहा हूँ, अर्थ न धर्म न काम रुचि, है ना, गति न चहो निर्वाण। गति होता है कि एंड एंड रिजल्ट क्या होगा, है ना, हमने देखा कि भाव के अनुसार जीव की गति। बोले मुझे अर्थ धर्म काम रुचि, जो पुरुषार्थ है मनुष्य के चार पुरुषार्थ है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, बोले जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान उदान, और कोई वरदान नहीं, एक ही वरदान, जन्म जन्म भगवान के चरणों में प्रेम। ऐसे बोलते हैं संत लोग, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं किंकर जी महाराज। कभी कभी लगता है कि उनके एक एक शब्द पी जाएं, पर नहीं पिए जाते वो, क्योंकि उनका ज्ञान तो उनके हृदय में बैठा है ना। हम तो पढ़े पढ़ाए तोते की तरह बोलते हैं, इसलिए सब याद नहीं रहता। रति से अभी याद आया कि एक कहीं किसी बुक में उन्होंने लिखा है, मुझे याद नहीं किसमें, तो उनका लिखा है कि जब जब वो कामदेव जल गए ना, रति रति को नहीं मारा गया, भगवान ने कामदेव को चलाया उस समय, क्योंकि रति जो है ये जरूरी है, प्रेम जरूरी है, रति रिप्रेजेंट प्रेम है ना, काम तो काम रिप्रेजेंट काम वासना। उनकी जो पत्नी है रति, वो तो अपने पति से प्रेम करती है ना, तो रति रिप्रेजेंट प्रेम, तो रति तो चाहिए ही चाहिए। तो जन तो इसीलिए कहते हैं जन्म जन्म रति राम पद, मुझे मेरा वो प्रेम किस में हो, भगवान के चरणों में, यही एक वरदान मांगता हूँ और कुछ नहीं। तो ये तो हमें पता ही है, ये दोहा कितना कितना इम्पोर्टेंट है, हमें भी यही मांगना चाहिए, हमें भगवान से भी यही मांगना है, प्रयाग से भी यही मांगना है, किसी भी तीर्थ स्थान पे जाओ यही मांगना है। इसके आगे पढ़ते हैं, स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीता रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। मैं चाहे जग जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर आप चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई, हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो, श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया, भरत जी धन्य है धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तो यहाँ हम देखते हैं जो हम बोलते हैं, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे, ये पंक्ति है ना, पहली 204 के नीचे दूसरी पंक्ति है ना। क्यों कहते हैं, चाहे राम जी मुझे कुटिल समझे, कोई भी मुझे कुटिल समझ ले, बट लेकिन कहते हैं
फिर भी मुझे एक ही चीज चाहिए, क्या चाहिए? सीताराम जी के चरणों में प्रेम, बस, है ना। तो आपकी कृपा से वो दिन रात बढ़ता ही रहे, यही बस एक कृपा कीजिए। तो उसके बाद वो दो उदाहरणें देते हैं कि चातक को कैसे बादलों से प्रेम है, वर्षा वाले जो बादल होते हैं, एंड बोले कि पर बादल चाहे वो ओले बरसा दें, चाहे वो क्या कहते हैं उसको, पत्थर गिरा दें, बजरे गिरा दें, पर इसका प्रेम तो फिर भी बादलों के प्रति बढ़ता ही रहेगा। एंड फिर उसके बाद सोने की बात करते हैं कि सोने को तपाया जाता है गहना बनाने के लिए, तो सोने में जो भी उन्होंने कुछ मिलावट होती है वो तो जल जाती है, पर सोना नहीं कभी जलता, और भी चमकेगा वो, है ना। तो ये जो असल में जो भरत जी हमें वो सिखा रहे हैं, वो ये सिखा रहे हैं कि असल में जो प्रेम है ना, प्रेम तभी चमकता है जब प्रेमी तपस्या करता है ना। जब प्रेमी में धीरता होती है, तितिक्षा होती है, तब जो है वो प्रेमी प्रेम चमकता है ना। जैसे हम भी, जैसे किसी का भी नहीं, एक माँ एक बच्चे के लिए, बच्चे जब छोटे होते हैं क्या नहीं करती है, बड़े हो जाएं तो भी करती है, पर जब बहुत छोटे होते हैं तो पूरी पूरी रात जागते हैं, तो पूरी मैं हंसती थी 3 साल में 5 बच्चे हुए तो कितने साल सोए, सो के देखा ही नहीं। तो तुम्हारी नींद भी जाती है, सब कुछ जाता है, फिर भी उस समय तुम प्यार से कर रहे होते हो, कभी कभी परेशान हो जाते हो, पर ये मतलब नहीं है बच्चों के साथ प्रेम कम हो गया, है ना। तो ये बात है कि वही, तब तब हम कहने का मतलब हम समझ सकते हैं इस चीज को, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं, हमने भी वो सब किया है ना। तो अब उसके बाद कहते हैं कि हे तार भरत, वो अब हाँ, उसको वो प्रयागराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हम सोचेंगे प्रयागराज जी क्या बोल सकते हैं? ऐसा लगता है ना, क्या उनको प्रयागराज जी ने बोला, क्या दूसरों को भी सुनाई दिया था, क्या सिर्फ भरत जी को सुनाई दिया? कितने क्वेश्चन हम ऐसे वैसे ही करते रहते हैं। बट यस, अगर अगर जो होगा, अगर भरत जी जैसा पवित्र होगा तो उसको प्रयागराज का सुनाई देगा, क्योंकि उनको प्रयागराज पर विश्वास है, एंड भरत जी का विश्वास भगवान में है, एंड भगवान की विभूति प्रयागराज है, तो इसीलिए उनको सुनाई देता है। इवन आजकल के कलयुग में भी एक संत हुए हैं, उनके कहते हैं वो गंगा जो है वो जूते बनाने वाले थे। एक एक ब्राह्मण गया, वो एक ब्राह्मण है ना, तो वो गंगा स्नान करने जा रहे थे जब ये मौका ही लीला, एक सेकंड में इसको बाहर, समय वो अंदर बैठी है लेकिन शायद बाहर जाना चाहती है, सॉरी। तो वो जो संत है ना, तो वो एक जूते बनाते हैं, तो ब्राह्मण जा रहा है इस गंगा स्नान के लिए, तो वो गंगा स्नान को, वो उनके पास थोड़े से कुछ पैसे होते हैं, तो वो बोलते हैं फूल जल कुछ कुछ चीजें ना वो देते हैं उसको, फूल देते हैं कुछ जो भी उनके पास होगा थोड़ा, वो एक गठरी में बांध के उसको देते हैं ब्राह्मण को, और फिर बोलते हैं कि जब आप गंगा मैया के पास पहुंचोगे ना, तो उनको बोलना कि ये मैंने भेजी है, और उनको कहना कि अपनी बाज देना तब जब वो अपनी बाजू बाहर निकाल के खुद ले। तो अब कहते हैं कि वो ब्राह्मण ने सोचा ऐसे ही बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं, वो गंगा स्नान कर रहा था, बाद में उसे याद आया, अरे अरे उसने दिया था मुझे, शायद रामदास जी हम सब का नाम, तो वो ऐसे ही करते हैं, तो गंगा गंगा मैया सचमुच बाजू निकलती है उनकी और वो ले देती हैं, एंड उसके बाद वो अपना एक उतार के, जो दिव्य उसने आभूषण पहने होते हैं, कड़ा उतार के उनको देती है, और वो जब वो ब्राह्मण को कि ये मेरी तरफ से उसको देना भेंट, एंड ये ब्राह्मण को लगता है अरे क्या है, वो आ जाता है घर, एंड वो लेकिन वो कड़ा नहीं देता, वो दिव्य कड़ा देख के उसकी पत्नी भी बड़ी मोहित हो जाती है, बट देन पत्नी कहती है मुझे नहीं लेना ये, बोले कि ऐसा करो तुम राजा को दे दो, राजा को दोगे तो फिर वो राजा जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे हम पर, वो कितना देंगे, नहीं तो ऐसे कोई सोचेगा हम चोरी करके लेके आए। एनीवे ही गोज टू राजा, राजा को भेंट करता है कि मुझे ये मिला है, तो राजा की पत्नी कहती है, जब वो अपनी पत्नी को भेंट करता है वो कहती अकेली चूड़ी नहीं पहनी जाती, मुझे दूसरे आदमी भी चाहिए।
जिसने ये दिया उसको बोलो ऐसा मुझे दूसरा भी चाहिए। अब ये राजा के बंदे उसके पास पहुंचे, अब ये उसका तो है नहीं, वो कहां से दे। तो उसने बोला कि नहीं, ये हमारे पास दूसरा नहीं है, एक ही चीज मुझे कहां से मिली थी। तो बोले कहां से मिली बताओ कहां। तो यानी वे बोला गंगा ने दी। बोला नहीं ये झूठ है। तो वो बेचारा बोला नहीं, सचमुच गंगा मैया ने दी। तो उन्होंने कहा कि इसने जरूर किसी से छुड़ाया होगा, ये झूठ बोल रहा है ब्राह्मण। तो उसको पकड़ने के लिए जेल के लिए लेके जाते हैं, पर ये कहता है जाने से पहले मुझे एक बार उसके दर्शन करने दो, रामदास जी के। तो वो तो वहां पहुंचता है, तो वहां उनको बताता है फिर सारी घटना कि ऐसे ऐसे वो निकली थी, ऐसे कड़ा मिला, ये हुआ, मैंने तुम्हें दिया नहीं तो मुझे माफ कर दो, ये तो मुझे अब देखना पता नहीं मृत्यु दंड मिलेगा अब इसके वजह। तो वो बोलता है चिंता मत करो, वो अपनी वो जो ऐसे उनकी जो हम बोरियां बोलते हैं, जो सूत की जो होती हैं चटाइयां, सी सूत की भी नहीं होती वो, तो वो कुश कुशा की होती हैं वो, वैसे उसपे बैठी हैं। तो वो उसको ऐसे ऊपर करते हैं, गंगा मैया जी को बोलते हैं कृपा करो मैया दूसरा भी दे दो हमें। तो ऐसे जैसे ऊपर निकलते हैं, जल निकलता है वहां से, एंड वो कड़ा दूसरा निकलता है। तो मैया का हाथ बाहर आता है, कड़ा देते हैं, एंड देन वो राजा के पास पहुंचता है। राजा फिर इनको गुरु बना देता है वो राजा। ये सच्ची कहानी है, बहुत पुरानी नहीं है, और आजकल के लिए भी बहुत वर्ष नहीं हुए, मे बी 90 ईयर कुछ ऐसे हुए होंगे। वो हमारे एक उनके भक्त थे रामकृष्ण परमहंस जी के, वो सब लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, उनके पिता जा नहीं पाते, तो वो बोले तुम चिंता क्यों करते हो, अभी गंगा को यहाँ बुलाता हूँ। और उनके आंगन में गंगा पूजी है, वो रामकृष्ण उनके आई थिंक नागराज उनका कुछ ऐसे नाम है। तो वो है, मुझे ध्यान करना पड़ेगा, जो बुक है ना ग्रीष्मी उसमें होगी जरूर होगा। तो वो उसमें वो उन्होंने ऐसे किया था, और कहते हैं 4 घंटे तक वो निकलती रही मैया, और सारे गांव वालों ने भी उसमें स्नान कर लिया था। तो ऐसे सो ये बातें मामूली मत समझो, सिर्फ ये दो बताने के लिए इसलिए कही है कलयुग में भी ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है, एंड ये तो हमारे विश्वास की बात है। तो ये जो जो उन्होंने कहा सचमुच प्रयागराज जी ने बोला है, और भरत जी ने उसको सुना है, क्या बात बोली है, वही बात निषादराज ने कही थी ना अभी अभी, कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, आप भगवान से बहुत प्रेम करते हो और भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, है ना। तो ये तो सो ये बात है कि अब वो क्या बोलती है, हे तात भरत, प्रयागराज बोलते हैं, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा था प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो, है ना, श्री राम को तुम्हारे समान प्रिय कोई है ही नहीं। हाँ ब्यूटीफुल। तो अब भरत जी फिर थोड़ा उनको हौसला होता है, फिर बस देखते हैं हम जब जब जैसे जैसे जाएंगे ना, कभी हौसला होता है, कभी बेचारे हो जाते हैं कि अरे मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। बहुत सुंदर है ये सब। अब 205 के नीचे पढ़ते हैं। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं, और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। हम यहाँ पे देखते हैं अब भारद्वाज मुनि के आश्रम में आए हैं। भारद्वाज मुनि तो भाग के उनका स्वागत करते हैं और हृदय से लगाते हैं और अपने पास बिठा रहे हैं। तो भारद्वाज मुनि का देख के वो संकोच में पड़ रहे हैं भरत जी, और मैं क्या कहूँ, मेरे कारण ये देखो मेरे प्रभु इनको मिले हैं, मेरे कारण ये सब हुआ है, मैं क्या बोलूं। तो उस समय हम देखते हैं कि भारद्वाज मुनि क्या कहते हैं कि
तुम सोच मत करो क्या बोलते हैं भरत, सुनो हम सब प्रकार से खबर पा चुके हैं, हमें ऑलरेडी पता है, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। तो क्या है, कहते हैं विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। बोले कि जो भी तुम्हें ये जो ग्लानि हो रही है ना, मेरी माँ ने ऐसा किया, उनको आप कुमाता बार बार बोल रहे हो। बोले माँ ने कुछ नहीं किया, तो क्या हुआ था? तो बोले कि सरस्वती ने उसकी बुद्धि बिगाड़ दी। तो अभी भरत जी थोड़ा परेशान हो गए, बोले कि मैंने ये पहली बार सुना है सरस्वती मैया ने किसी की बुद्धि बिगाड़ दी। सरस्वती मैया जी बुद्धि नहीं बिगाड़ती हैं, सरस्वती मैया जी को तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी हमें बुद्धि दो, हमें सद्बुद्धि दो, है ना। तो हम देखो पढ़ने से पहले भी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वो बोलते हैं। तो वो जो सिर्फ ऐसे ही वर देने वाली है, वो उसने गलत कैसे कर दिया, है ना। उनको ये समझ नहीं पा रहे हैं भरत जी। तो फिर ये बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं भरत, तुम समझ नहीं पा रहे हो, सरस्वती जी भी ऐसे नहीं बिगाड़ सकती थी माँ की बुद्धि को, इसमें भी हरी इच्छा थी। अगर हरी इच्छा ना होती, हम देखेंगे आगे आगे जब देवताओं को चिंता बड़ी लगेगी ना कि भरत मना लेंगे और राम जी चले जाएंगे वापस, हमारा क्या होगा, रावण मरेगा नहीं। तो वो सरस्वती को बुलाते हैं, भरत की बुद्धि हिला दो। तो वो कहती है पागल हो गए हो तुम, भरत की बुद्धि उसको तो कोई छू भी नहीं सकता, भरत की बुद्धि कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। तो बोले कि जो पहले मैंने किया था, मैंने वहां भी, मैं वही सोच रही थी कि अरे मैं क्यों पागल हूं, मैं क्यों चली गई वहां पे, मैं जाके दुख दूंगी सबको, पर तब मैं समझ गई थी कि हरी इच्छा है, तो उस समय हरी इच्छा थी। अब कहीं धोखे से भी ये मत सोचना, तुम भी कुछ गड़बड़ मत करना, नहीं तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। भगवान अपने भक्त क्या नहीं कुछ सह सकते, अपना से अलग है ना। तो ये बात है। तो यहाँ पर यही बताते हैं कि कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी तो सरस्वती जी ने बुद्धि हर ली थी। तो इसके आगे पढ़ेंगे। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है, और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे और तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वनगमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष हो जाता। हे भरत, अब तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। तो वो बोल रहे हैं कि देखो महाराज दशरथ ने जब तुम्हें राज्य दिया था, अगर तुम राज्य ले लेते तो भी कोई गलत नहीं करते। सबको पता है कि तुम्हारा ये मन नहीं था इसमें, वो तो जो हुआ वो तुम्हारा राज्य भी अपने कर्तव्य पालन करने के लिए करते, एंड राम जी को भी संतोष होता। पर कहते हैं फिर भी जो तुम ये करने जा रहे हो ये भी बहुत अच्छी बात है। तभी ये एंड में बोला ना, हे भरत अब तो तुम्हें बहुत ही अच्छा किया जो ये काम कर रहे हो। तो कहते हैं कि राम जी सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण स्नेहु। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। तो कहते हैं उनका कहने का मतलब ये है कि मंगल ही मंगल होगा, इवन यस, ये इनडायरेक्टली बोल रहे हैं ना, इवन चाहे यस भगवान का वन गमन में सबको दुख है कि उनको वन गमन करना पड़ा, उनको ये सब करना पड़ेगा, बट लेकिन क्या होगा कि समस्त सुंदर मंगलों का मूल भी उसी में ही होगा। तुम्हारा भी मंगल होगा, बाकी सबका भी मंगल होगा, मंगल ही मंगल है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। सो श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारा
तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्त रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। हाउ हाउ कैन दैट बी नॉट, बट देखो ये मैंने तुम्हें ऐसे लगता है, अरे वाह, जो भरत जी सोच रहे हैं कि मेरा तो जन्म ही क्यों हुआ, है ना, जो भरत जी सोच रहे हैं मैं कुल के लिए कलंक हुआ, जो भरत जी सोच रहे हैं मैं ही सब दुखों का कारण हूँ, सबके दुखों का, नॉट ओनली राम सीता लक्ष्मण जी का, सारे अयोध्या वासियों का, जनकपुर वासी जो भी सुन रहे हैं, सारे सारी दुनिया में सबको दुख हो रहा है ना, लेकिन किसके कारण, मेरे कारण, बिकॉज अगर मेरा जन्म ही ना होता तो माँ किसके लिए मांगती राज्य, है ना। तो फिर अब देखो कितना सुंदर बोल रहे हैं संत, है ना, उनको पता है कैसे बोलना है और सच बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही बोल रहे हैं। तो उसके कहते हैं सबसे पहले शुरू कैसे करते हैं, उसने कहा ना मेरा, क्योंकि बार बार वो कहते हैं ना मैं अभागा हूँ, भरत जी ऐसे बोलते हैं ना, तो देखो शुरू ही ऐसे करते हैं, वो क्या कहते हैं कि तुम्हारे समान बड़भागी कौन है, कोई नहीं, भरत जी को ये बताते हैं, सबसे पहले तो ये भूल जाओ तुम अभागे नहीं हो, तुम क्यों हो फिर भाग्यवान, तुम कहते हैं कि एक तो ये कि तुम दशरथ के पुत्र और श्री राम जी देख के प्यारे भाई हो, सो महाराज दशरथ के भी तो गुणों के समूह थे ना वो, है ना, ऐसे थे, एंड फिर उनके पुत्र हुए तो, एंड फिर भाई किसके हुए, रामचंद्र जी के, यही तो है सबसे बड़ा भाग्य, एंड फिर उसके बाद बोलते हैं एंड उससे बड़ी बात जो ये है कि तुम्हारा राम जी के चंद्र के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र कोई दूसरा है ही नहीं रामचंद्र जी समझते हैं तुम्हें, तो उनको पता है तुम कैसे हो, इसीलिए तुम उनके प्रेम के पात्र सबसे ज्यादा तुम ही हो। तो फिर कहते हैं मुझे कहते जान जानू मरम नहा नहात प्रयागा मगन होई तुमरे अनुरागा, भरत जी का कहते कैसे मैं मरम जाना, जैसे आंचल वहां ऐसे अपना अंजलि डालते हैं ना पानी में भरने के लिए, भर भर ही कहते उन्हें भरत की याद आती और वो हाथ ऐसे हो जाते उनके और आंखों में आंसू भरत की याद करके, तो कहते तब तो मैं बिल्कुल उसका मरण समझ के, अरे ये सचमुच इनकी जान भरत में है, सचमुच ये भरत को बहुत प्रिय करते हैं। देखो अगर हमें संत समझाने वाले नहीं हो तो हम ये समझ नहीं पाएंगे कि ये कौन सा मरम था, क्या भगवान ने वहां समझा, वही अंजलि भरने भरत, तो वहीं से भरत उनका, है ना। तो वो कहते हैं कि फिर मैं उस समय मैंने ये उनका मरम जाना कि वे तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे, तुम पर रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि ये रामचंद्र जी की बड़ाई नहीं है, ये तो उनका वाण है, जो उनके शरण में जाता है भगवान उसकी रक्षा करते ही हैं, उससे प्रेम करते ही हैं। तो बस जो मेन बात है, तो जो मेन उन्होंने जो बोली है दोहा यहाँ पे, वो कहते हैं भरत जिसको तुम अपना कलंक समझते हो, तो कहते हैं वो तो हमारे सबके लिए श्री गणेश है, किस बात का श्री गणेश है, वो कहते हैं हमारे सबके लिए ये उपदेश है, आगे आगे हम देखेंगे कि भरत जी का जो करेक्टर है वो चारों आश्रमों के लिए, चारों वर्णों के लिए, सबके लिए ये उपदेश है ना। ब्रह्मचारी भी उन्होंने देखो ब्रह्मचारी व्रत धारण किया शादीशुदा होते हुए भी,
उन्होंने गृहस्थ है तो गृहस्थ का क्या कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति, वो भी सबको सिखाया उन्होंने। देखो वो सब एक ही टाइम पे वो तपस्या भी कर रहे हैं, सन्यासी भी हो गए, वानप्रस्थी भी हो गए, सन्यासी भी हो गए। सो हर आश्रम के लिए ये उपदेश है उनका जीवन। हम देखेंगे इसके एंड में तो भगवान स्वयं गुरु गुरु बोलेंगे, गुरु विशिष्ट, जो तुम कहोगे, जो सोचोगे, जो करोगे, वो ही धर्म है। कितनी बड़ी बात है, गुरु विशिष्ट बोलेंगे, है ना। तो ऐसे हैं हमारे भरत जी। इसको हम यहीं पे खत्म करेंगे, आज 9 बज गए, तो लास्ट वाला बोलेंगे। प्लीज कभी कभी ना कोई क्वेश्चन कर लिया करो, नहीं तो मुझे ऐसे लगता है कि जो बोल रही हूँ वो आई एम श्योर आपको समझ आ रहा है। ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं समझ आ रहा, बट एम आई गोइंग एट विद द राइट फ्लो, समथिंग लाइक दैट। मुझे वो फीडबैक थोड़ा मिल जाता है, इवन अगर आपका क्वेश्चन भी होता है कि एम आई डूइंग राइट वे, मैं तो कहीं कुछ कुछ और सुनना चाहते थे, मैं कुछ और सुना रही हूँ, तो नहीं, ऐसा आप नहीं। बहुत बहुत ही अच्छा समझा रही हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू। तो लास्ट वाला बोलते हैं पहले। बार बार बर मांगो हर सी देव श्री रंग, पद सरोजे अन पायनी भगति सदा सतसंजे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन पढ़ो अनुग्रह तोरे। बाकी समझने समझ